हेलो डियर्स, बात करेंगे आज कंपोजिशन की। फर्स्ट क्लास कंपोजिशन आपका जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, पेपर जो है वो है कंपोजिशन का। कंपोजिशंस हिंदी में कहेंगे इसको संयोजन। संयोजन कंपोजिशन। अब पहले तो इस बात को समझ लें कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन चित्र के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं संयोजन की, तो एक ऐसी योजना है, संयोजन एक ऐसी योजना जो समान योजना हो, यानी हमारे पास जो स्पेस है। आप लोगों ने संयोजन के सिद्धांत पढ़े होंगे, बेसिकली मैं उनको रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। छह सिद्धांत संयोजन के आप लोगों को पता होंगे, सहयोग, संतुलन, सहयोग सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रभाविता और प्रमाण। छह सिद्धांत आपको पता होंगे। अब ये जो हमारे पास जो पूरा अंतराल है, इसको हम जो भी हमारे पास स्पेस है उसको हम बोलते हैं अंतराल। इस अंतराल में किस चीज को कंपोज करते हैं, वो जो कंपोजिशन की जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं? रेखा, यानी चित्रकला के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और छठा है अंतराल। ये छह चीजें जो हैं वो है चित्रकला के तत्व, चित्र के तत्व हैं, ठीक है। चित्र के ये जो तत्व हैं ये संयोजन का विषय होते हैं, यानी इनको हम कंपोज करते हैं स्पेस में। अब इसमें जो कोई भी आप फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म बनेगा आपका लाइन से, लाइन से रूप बनेगा, रूप में आप रंग भरोगे, रंग की कोई ना कोई तान होगी और उस सरफेस का कोई ना कोई टेक्सचर होगा और अंतराल जो पूरा स्पेस है उसको आप कंपोज करोगे। तो संयोजन जो है वो है एक तरह की योजना। उस योजना में आपको क्या करना है कि जो भी आपका विषय है, अब दो चीजें आती है, विषय और विषय वस्तु। विषय और विषय वस्तु, यानी विषय क्या है, आपको एक जो टॉपिक दिया गया है वो आपका सब्जेक्ट है कि आप किसको कंपोज कर रहे हो, और उस सब्जेक्ट को दिखाने वाले जितने भी रूप हैं वो आपकी विषय वस्तु है। समझ में आ रही बात? आप किसी भी एक टॉपिक पर जिस पर कंपोजिशन आपको बनाना है, सिंपल अगर हम बात करें और हम ये कहें कि हमें एक ग्रामीण दृश्य बनाना है, ग्रामीण दृश्य, तो ये आपका ग्रामीण दृश्य जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ, ग्रामीण दृश्य। या कोई कहे कि रेलवे स्टेशन का सीन बनाना है, या कोई कहे कि हमें त्योहार बनाना है, तो ये जो भी है ये आपके सब्जेक्ट है, यानी ये आपकी विषय है। और विषय वस्तु उस दृश्य को, उस कंपोजिशन को, उस सब्जेक्ट को दिखाने के लिए जिन जिन रूपों को आप बना रहे हो, जिन रूपों का आप चयन कर रहे हो, वो आपकी विषय वस्तु हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि हम क्या बनाएंगे। तो सबसे पहली बात जो है स्पेस की, कि आपके पास एक शीट है, उस शीट में आपको उन रूपों को कंपोज करना है। अब कंपोजिशन में आप जब पोर्ट्रेट बनाते हो तो एक तरह से वो भी एक कंपोजिशन है कि इतने बड़े स्पेस में आपको चेहरा कितना बड़ा बनाना है, उसके बाल कितने बड़े बनाने हैं, गर्दन कितनी बड़ी आएगी, चेहरे में आंखें कितनी बड़ी बनेगी, नाक कितनी लंबी, ये सारी चीजें, ये सारा एक कंपोजिशन है, चेहरे का एक कंपोजिशन है, उस चेहरे का जो रूप है उसका एक कंपोजिशन है। तो हर चीज का एक संयोजन होता है। अब इस स्पेस में आपको जो बनाना है वो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज आती है, वो सबसे पहली चीज आती है आपके लिए कि आप क्या बनाएंगे। इस बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है आपके पास रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है आपका? स्केचिंग। स्केचिंग जो आपने बनाई है
वो स्केचिंग जो फ्री हैंड ड्राइंग है, जो फ्री हैंड स्केचिंग है, उस स्केचिंग में आपने जो फॉर्म्स बनाए हैं वो फॉर्म आपके रॉ मटेरियल्स हैं। अब आपने उसमें स्कूटर भी बनाया, आपने उसमें फीमेल फिगर्स भी बनाए, उसमें आपने एनिमल फिगर बनाया, उसमें आपने पेड़ पौधे भी बनाए हैं, बहुत सारी चीजें, घर, दुकान, सड़क, साइकिल, सब कुछ बनाया। उन जो स्केचिंग आपकी, जो वो रॉ मटेरियल है, उसको आप यूज करोगे कहाँ पर? उस स्पेस में, आपके सब्जेक्ट को दिखाने के लिए। थोड़ी देर के लिए अगर हमें कहा कि ग्रामीण दृश्य का चित्र बनाना है, तो ग्रामीण दृश्य का चित्र में आपको सोचना है, ये आपका मेंटल लेवल पर, थॉट लेवल पर, कि आप उस ग्रामीण दृश्य को कैसा दिखाना चाहते हैं। हम ग्रामीण दृश्य, ये आपके सोचने की बात है कि आप क्या क्या दिखाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि ग्रामीण दृश्य, आपने एक झोपड़ी और उसके पीछे दो चार और झोपड़ी, यानी झोपड़ियों का एक झुंड, पास में तीन चार पेड़, बैकग्राउंड में कुछ खेत खलिहान और दो तीन फिगर्स झोपड़ियों के आगे कहीं चौपाल पे बैठे हुए, ये भी गांव का दृश्य है। एक कि आपने झोपड़ियां कुछ भी नहीं बनाई हैं, मेन बेसिकली झोपड़ियां नहीं बनाई हैं, और आपने खेत का दृश्य दिखाया और खेत में आपने हल चलाते हुए किसान दिखा दिए दो, ये भी गांव का कंपोजिशन है। या ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो एक पगडंडी पर कुछ अपना सामान लेके जा रही हैं, ये भी गांव का दृश्य है। यानी गांव के दृश्य को आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो, ये आपका थॉट प्रोसेस है। अब उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन रूपों को यहाँ पर बनाने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी स्केचिंग की। तो सबसे जो मस्त चीज है वो है आपकी स्केचिंग, कि आपने उस फिगर को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जरूरी चीज जो स्केचिंग है, उसकी आप प्रैक्टिस मेरे हिसाब से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो अब आप उसको कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, कि आप डेली 25 स्केच, फ्री हैंड स्केचिंग वो आप करें। अब कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास स्पेस है, जो हमारा अंतराल है, इस अंतराल में हम उन रूपों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आपके बनाने का, हर इंसान के, जैसे मैं कुछ भी बात कह रहा हूं तो मेरे बात कहने का एक तरीका है, उस तरीके से मैं अपनी बात कह रहा हूं। इसी बात को कोई दूसरा टीचर बताएगा तो वो अपनी बात यही बताएगा, लेकिन उसके बात करने का तरीका दूसरा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो कंपोजिशन है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर आदमी के कहने का अपना अंदाज होता है, अपना अलग तरीका होता है, तो उस कंपोजिशन को बनाने का हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका है। अब ह्यूमन फिगर बनाना है, तो ह्यूमन फिगर गांव का एक दृश्य बनाना है, तो गांव के दृश्य में मैंने बेसिकली जैसे ये बनाया, कि मैं आपको इस तरह से बना के दिखाता हूं, एक पगड़ी नुमा आदमी मैंने बनाया, ये मैं एक ह्यूमन फिगर बना रहा हूं, गांव का एक आदमी बना रहा हूं। ये मैंने एक गांव का आदमी बनाया, एक लकड़ी को पकड़े हुए आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप फिगर बनाओगे, मैंने इसके पास एक और आदमी बनाया,
एक पत्थर पर बैठे हुए नया आदमी बना दिया। तो इस तरह से आप जो जो भी फिगर आप बनाओगे उस चीज को, किस चीज को कितना बड़ा और कितने स्पेस में आपको बनाना है, ये चीज डिसाइड करने की है। तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपकी स्केचिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी फर्स्ट में मुझे कम से कम 20 स्केच डेली के आप मुझे पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे सब कि हमने ये स्केच बनाया। फिर वो जो स्केचेस बनेंगे उसमें जो आप फिगर बना रहे हो उसमें आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। फ्री हैंड ड्राइंग जो करनी है वो आपको पता है, उस फ्री हैंड ड्राइंग से हम फिर वहां से फिगर निकालेंगे और उनको अपने स्पेस में अरेंज करेंगे कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा फिगर से बैठा हुआ। ये एक स्टाइल है बैठने का, ये एक स्टाइल है बैठने का, खड़ा होने का अलग स्टाइल है, कुर्सी पे बैठने का अलग स्टाइल है। तो किस तरह के फिगर्स हमें उस कंपोजिशन में रिक्वायर कर रहे हैं हम लोग और उनको कैसे इस स्पेस में अरेंज करना है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्केचिंग। तो अभी हम अगली क्लास जो लेंगे वो एक बार मैं आपको स्केचिंग करके बताऊंगा। तब तक सबसे पहले आप मुझे एक बार स्केच बना के दिखाएंगे कि आप स्केच में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ही आपका रॉ मटेरियल है जिसके आधार पर ही आपका कंपोजिशन डिपेंड करेगा कि आप क्या बनाने वाले हैं, वो कैसा बनने वाला है। अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं है किसी भी चीज के लिए, आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगा तो आप उससे कोई भी चीज फिनिश नहीं कर सकते। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केचिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इसलिए मस्ट जो चीज है वो आप स्केचिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंपोजिशन को किस तरह अरेंज करना है उसके बारे में बात करेंगे।